सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर स्माइल ज्योति कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे। छोटे प्रोत्साहन स्वरूप एक मुनमुन पे बनी हुई फिल्म भी आपके साथ सामने चल रही है। ये जैसा मैंने आपको बताया, स्माइल ट्रेन पूरे देश में है। हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं तो लखनऊ परिक्षेत्र के जितने सेंटर्स हैं उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स यहां पर हैं और स्माइल ट्रेन उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सर्टिफाई कराना चाहती है, एक सर्टिफिकेट देना चाहती है। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा प्रोफेसर ए के सिंह, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। स्माइल मशाल ज्योति जागरूकता के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, केजीएमयू के कुलपति प्रोफेसर एमएलबी भट्ट जी, स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर वैभव खन्ना जी, वाइस प्रेसिडेंट एवं रीजनल डायरेक्टर एशिया सुश्री ममता कैरल जी, एरिया डायरेक्टर सुश्री रेणु मेहता जी, स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि देश के अंदर उन लाखों चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए जो किन्हीं चिकित्सीय लापरवाही या फिर किसी आपदा के कारण इस खुशी से वंचित रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का जो कार्यक्रम सीएम साहब के पीछे स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के माध्यम से कई वर्षों से चल रहा है और आज स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट का विशेष जागरूकता का अभियान देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी उत्तर प्रदेश लखनऊ में पहुंचकर इस अभियान को और नए सिरे से तेज करने का प्रयास कर रही है। मैं इसके लिए इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि जहां इस प्रकार की जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज के प्रत्येक तबके के बीच में
स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता या कटे हुए ओंट, टेढ़े मेढ़े मसूड़े, इन सब को लेकर के व्यापक जागरूकता पैदा करने का कार्य करते हैं। वहीं साथ ही साथ इसका एक मानवीय पक्ष वह भी है कि हर व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है, या जिसको ये पता नहीं है कि आखिर इस प्रकार के किसी मामले में बेहतर उपचार की व्यवस्था है, ये जागरूकता का अभियान जहां उन लोगों तक भी आपको पहुंचाने का कार्य करता है। वहीं इसका एक दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह है एक चिकित्सक के मानवीय पक्ष को जनता के सामने रखना। एक मरीज और एक डॉक्टर के बीच में एक बहुत बड़ा भावनात्मक संवाद होना चाहिए। व्यावसायिकता के इस दौर में इस संवाद को हमने खोया है। चिकित्सक के प्रति जो एक सम्मान का भाव आम जन के मन में हुआ करता था, आज जब हर कार्य व्यावसायिक दृष्टि से हम सोचने लग गए तो इसमें काफी कमी आई है, गिरावट आई है। लोग ये मान के चलते हैं कि हर एक चिकित्सक केवल अपनी निजी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए या अगर शासकीय सेवा में है तो उसका प्रयास होता है कि वह निजी प्रैक्टिस के माध्यम से अधिक धनादोहन कर सके। लेकिन इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो एक गरीब, एक वंचित, एक कमजोर या समाज के किसी भी तबके के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करते हैं, वहीं एक चिकित्सक के संवेदनशील और मानवीय चेहरे को भी समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं और वह संवाद जो कभी बाधित हो चुका था उस संवाद को बहाल करने का भी एक प्रयास है। मैं इसके लिए स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए उन सभी पदाधिकारियों को, सभी चिकित्सकों को और उन सभी महानुभावों को जो किसी न किसी रूप में इस अभियान के साथ जुड़े हैं, उन सबको हृदय से इस अवसर पर साधुवाद देता हूं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में एक बड़ा अभियान है और उस बड़े अभियान के साथ अगर समाज का एक बड़ा तबका जुड़ जाता है, जागरूकता के कार्यक्रम के साथ हम समाज के विभिन्न तबकों को जोड़ देते हैं तो अपने आप में एक आंदोलन बनता है। याद करना, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी परियोजना जब जन आंदोलन का स्वरूप लेती है तो जन आंदोलन का वह स्वरूप उस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। अक्सर होता क्या है, सरकार की योजनाओं के फेल होने का कारण क्या बनता है, क्योंकि हमने एक तो पूरी तैयारी नहीं की होती है, दूसरा जागरूकता के लिए आम जन को उसके प्रति जितना सचेत किया जाना चाहिए हम लोग नहीं कर पाते हैं, और तीसरा जो जिम्मेदार लोग होते हैं जब वे अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं करते हैं तो अक्सर योजनाएं फेल होती हैं। स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट ने अपनी तैयारियां भी की हैं, गत कई वर्षों से उनके पास कार्य करने का अपना एक अनुभव है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी तय किया कि इस कार्यक्रम के साथ जागरूकता को जोड़ते हुए अपनी पूरी जवाबदेही के साथ वह समाज में बिना भेदभाव के हर चेहरे पर खुशहाली लाने या किन्हीं कारणों से अगर किसी के ओंठ जन्म से कटे हुए हैं, मसूड़े टेढ़े मेढ़े हैं और समाज के सामने ऐसे बच्चों को, भाई छोटा बच्चा उसको जानकारी नहीं, लेकिन वो जब थोड़ा बड़ा होगा तो उसको आत्मग्लानी होती होगी। लेकिन आपने देखा होगा जिन बच्चों को अभी यहां पर मंच पर लाया गया था, इन बच्चों को पता ही नहीं लगता कभी सर्जरी हुई हो, आज सर्जरी काफी एडवांस हो चुकी है। अगर हम उनको एक सामान्य नागरिक की तरह समाज के सामने ला सकते हैं, उनके मन में, एक बालक के मन में अगर बचपन में ही आत्मग्लानी होने लग जाएगी, आप देश के भविष्य को उज्जवल कैसे बना पाएंगे। और यह एक अभियान है आम चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, यह एक अभियान है
देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, और इसलिए मैं स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए इन सभी महानुभावों को, वैभव खन्ना जी उनकी पूरी टीम को, या डॉक्टर ए के सिंह जी और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस अभियान के साथ जुड़ करके, इस पवित्र कार्य के साथ जुड़ करके राष्ट्र निर्माण की इस प्रवर्तमान अभियान में अपना योगदान किया है। राष्ट्र का निर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, समाज का प्रत्येक तबका जब अपने अपने क्षेत्र में अपना योगदान देता है, इसमें हरेक व्यक्ति का अपना योगदान है। एक मजदूर जब मजदूरी करता है तब कोई निर्माण कार्य संपन्न हो पाता है। उस अभियान के साथ, उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए राजमिस्त्री की भी अपनी भूमिका है, उससे जुड़े हुए आर्किटेक्ट की भी अपनी भूमिका है। जब यह सामूहिक रूप से एक टीम वर्क के रूप में सामने आता तो प्रोजेक्ट संपन्न होता है। अगर आर्किटेक्ट कहे कि मैं ही प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा हूं, मुझे लगता है उसकी गलतफहमी है। उन्होंने एक डिजाइन दी है, उसको मूर्त रूप तो एक राजमिस्त्री देगा, या उससे जुड़े हुए जो भी उस अभियान के साथ जुड़े हुए अन्य लोग हैं वे लोग देते हैं। एक लेबर की भी उतनी बड़ी भूमिका है, और मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण के लिए भी हम सब की अपने अपने क्षेत्र में बड़ी भूमिका है। केवल हमें माने कि देश का नेतृत्व इस कार्य को करे कठिन है, वे तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपने फील्ड में कितना कर पा रहे हैं। हर एक समाज का प्रत्येक तबका अपने अपने क्षेत्र में इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा तो राष्ट्र निर्माण का यह कार्य उतनी सशक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट उसी अभियान का एक हिस्सा है। आपने देखा होगा जिन मासूम बच्चों के चेहरे पर यहां पर हमने खुशहाली देखी है, अगर उनकी ओंठ फटे होते, उनके मसूड़े टेढ़े मड़े होते, क्या उनके चेहरे पर इतनी चमक होती? क्या नहीं हो पाती? आज उनके चेहरे पर चमक इसलिए है क्योंकि वे सामान्य बच्चों की तरह दिख सकते हैं, और इस सामान्य बच्चों की तरह दिखने की होड़ उन्हें एक नई प्रतिस्पर्धा की ओर आगे बढ़ाता है कि कभी बचपन में उनके भी ओंठ कटे थे, उनके मसूड़े भी टेढ़े मेढ़े थे, उनके सामने तमाम प्रकार की समस्याएं थी, परिवार की आर्थिक स्थिति भी एक चैलेंज हो सकती है। उस व्यक्ति के लिए आने वाले समय में समाज को फेस करना, अपने सहयोगियों को करना एक चैलेंज से कम नहीं रहा होगा, लेकिन आज वह भी सामान्य बच्चे की तरह है। उसके मन में एक आत्मविश्वास समाज ने भरा है कि नहीं, वह भी सामान्य बच्चे की तरह आगे बढ़ सकता है, उस प्रतिस्पर्धा में आगे चल सकता है। यह समाज ने अपने दायित्व का निर्वहन किया स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो कल वह बच्चा भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन उसी रूप में करेगा। यह एक विश्वास इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग आगे